हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लॉन्ग वोवल शॉर्ट वोवल उनके साउंड्स रूल्स एंड एग्जांपल्स सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वोवल्स होते क्या हैं इंग्लिश में हमारे पास ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट्स होते हैं उन अल्फाबेट्स में से फाइव अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू ये फाइव अल्फोबेट्स हमारे वोवल हैं और बाकी ट्वेंटी वन अल्फाबेट्स जो हैं उनके कॉन्सोनेंट कहते हैं तो इन वोवल में लॉन्ग वोवल और शॉर्ट वोवल हम इसे डिवाइड करते हैं इनके साउंड के बेसिस पे तो इन वोवल्स के टू साउंड्स होते हैं आइदर इट्स लॉन्ग साउंड और आइदर इट्स शॉर्ट साउंड तो चलिए देखते हैं लॉन्ग साउंड्स क्या होते हैं ए ई आई ओ यू के लॉन्ग साउंड्स इनका नेम इट्स होता है जैसे ए को हम ए के पुकारते हैं तो ए का साउंड होगा लॉन्ग ए ई का ई e, आई का आई ओ का ओ यू का यू तो ये है लॉन्ग वोवल साउंड और शॉर्ट वोवल साउंड क्या होते हैं ए का शॉर्ट वोवल साउंड होता है ए ई का शॉर्ट वोवल साउंड होता है ए आई का ई ओ का ओ और यू का अ अगर आपको आप कोई स्पेलिंग करनी है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर शॉर्ट ओवल साउंड है या लॉन्ग ओवल साउंड है तो शॉर्ट ओवल और लॉन्ग ओवल साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं फर्दर ऑन इन रूल्स की भी काफी एक्सेप्शन होती हैं लेकिन स्टार्टिंग में हम सिर्फ रूल्स करेंगे और लेटर ऑन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उनकी एक्सेप्शन को कम्पलीट करेंगे तो रूल्स लॉन्ग ओवल के क्या रूल होते हैं जब भी हमें कहीं पे सी वी वी सी सी वी वी सी का मतलब है कॉन्सोनेंट वोवल वोवल कॉन्सोनेंट इस फॉर्मेट में कई कोई स्पेलिंग दिखाई देती है जहां पर दो वोवल एक साथ आते हैं तो हम फर्स्ट वोवल के साउंड को बोलते हैं लॉन्ग साउंड बोलते हैं उसका और सेकेंड वोवल का साउंड साइलेंट रहता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सी कॉन्सोनेट वॉवल वॉवल कॉन्सोनेंट दिस इज अ सी वी वी सी फॉर्मेट इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कॉन्सोनेंट है और ओ एंड ए आर वॉवल्स तो अब इन टू वॉवल्स में एज पर रूल हम फर्स्ट वॉवल का लॉन्ग साउंड बोलेंगे और सेकेंड वॉवल साइलेंट रहेगा ब ओ टू बॉट ऐसे ही अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें और ए में से हम ओ का साउंड बोलेंगे और ए का साउंड साइलेंट रहेगा ओ का लॉन्ग साउंड बोलेंगे ल, ओ फो तो फो ये था हमारा फर्स्ट रूल जब भी हमें दो वोवल साथ में दिखाई देते हैं तो हम फर्स्ट वोवल का लॉन्ग साउंड बोलते हैं और सेकेंड वोवल साइलेंट रहता है लॉन्ग वोवल्स का सेकेंड रूल है जब भी हमें ऐसा कोई स्पेलिंग दिखाई दे सी वी ई मतलब कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट एंड लास्ट में हमें स्पेलिंग के एलिफेंट दिखाई दे ई e. तो ऐसे में भी हम जो फर्स्ट वोवल आता है उसके लॉन्ग साउंड को यूज करते हैं और जो लास्ट ई e होता है वो साइलेंट ई e होता है इसे मैजिकल साउंड भी बोलते हैं देखते हैं एक एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास है टी ए पी ई ये इसी फॉर्मेट का है कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट एंड ई अब इसमें होता क्या है ई e हमारा साइलेंट हो जाएगा और यहाँ पर ए का जो साउंड है वो लोंग ए आएगा टू ए टेप सेम अनदर अदर एग्जाम्पल है ई e का साउंड साइलेंट हो जाएगा एंड वी गोना नाट से द साउंड ऑफ लोंग ए फ ए क फेक सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रूल थर्ड रूल हमें क्या कहता है जहां पर भी हमारे पास वन कॉन्सोनेंट है और वन वोवल है एंड में कहीं पे भी स्पेलिंग में कोई वोवल आ जाता है तो उस वोवल का साउंड हमेशा लौंग होता है जैसे यहां पर सी फॉर्मेट है वन कॉन्सोनेंट एंड वन वोवल तो लास्ट का जो वोवल है उसका साउंड हम हमेशा लोंग बोलेंगे वो ई वी ह ए, ही ई मी सो दिस इज द फोर्थ रूल जब भी कोई वोवल है ए ई आई ओ यू ये अगर इंडिपेंडेंटली अकेले आ रहे हैं तो इसका साउंड हमेशा लोंग होगा जैसे ए यहाँ पे हम ए नहीं बोलेंगे यहाँ पे हम बोलेंगे ए बिकॉज दिस इज अ सिंगल वोवल ऐसे ही सेम आई दिस विल बी आई सो ये थे कुछ लॉन्ग वोवल के रूल्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू द शॉर्ट वोवल शॉर्ट वोवल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सी वी सी एंड दिस इज द रूल जहां पर भी आपको कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट इस पैटर्न के वर्ड्स दिखते हैं वहां पर जो भी वॉवल का साउंड होगा वो हमेशा शॉर्ट होगा जैसे क ए कैट ब ए न, बैन यहाँ पर हम ए ए इनका साउंड बहुत शॉर्ट ले रहे हैं लॉन्ग ए नहीं ए ऐसे ही सेकेंड रूल जो हमारा है सी वी सी सी जहां पर भी कॉन्सनेंट वॉवल और टू कॉन्सोनेंट इस फॉर्मेट में आपको कोई भी स्पेलिंग दिखाई देती है तो वहां पर भी वोवल का साउंड शोट ही रहेगा डिश फ ई शिश सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो भी लॉन्ग वोवल साउंड है वहां पर टू वोवल्स साथ में आते हैं लेकिन शॉर्ट वोवल साउंड में हमें कभी भी टू वोवल साथ में दिखाई नहीं देते हैं और सेकेंड लॉन्ग वोवल साउंड में एलिफेंट जो है वो हमारा सबसे स्पेलिंग के एंड में आता है और वोवल के साउंड को बिक कर देता है जो कि एक मैजिकल साउंड की तरह से जाना जाता है लेकिन शॉर्ट वोवल में कभी भी हमारा एलिफेंट साउंड एंड में नहीं आता है तो ये कुछ रूल्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पेलिंग में शॉर्ट वोवल साउंड का यूज किया जाए या लॉन्ग वोवल साउंड का यूज किया जाए इन स्पेलिंग्स को आप वो ज्यादा अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब आप फर्दर इनकी प्रैक्टिस करें और आने वाले वीडियोस में हम हर वोवल की ए आई ओ यू इनके भी कुछ अलग कॉम्बिनेशन होते हैं और 21, बीस पे साउंड बनाते हैं इन वीडियो को कवर करने वाले हैं तो अगर आपको वो वीडियो देख रही है और अच्छे से साउंड को समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए